बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय चैनल शमीम स्टिचिंग आइडियाज़। तो आज हम आपके लिए खूबसूरत सा गले का डिज़ाइन लेकर आए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने चकोर पीसेज में कुछ पीस कट कर लिए हैं, 2.5 इंच के करीब इनकी ये लंबाई चौड़ाई है। और ये गला मैंने पहले से ही पेस्ट कर लिया था फ्यूज़ पेपर से कपड़े पर जी। तो इस तरीके से हमने सिलाई लगाते हुए जाना है। और ये मैंने गले की लेंथ जो रखी है वो मैंने 6 इंचेस रखी है, और चौड़ाई भी तकरीबन 6.25 इंच ही 6 इंच के करीब ही रखी है। अब हम इसको स्ट्रेट स्टिच करते हुए आएंगे। दरमियान में हमने पाइपिंग निकालनी है, बैक साइड पे जो हमने कपड़ा लगाया है उसी के साथ की हमें बारीक बारीक इसमें पाइपिंग चाहिए पट्टी पर, जो हमने चकोर पीसीज में कट किए हैं उनके हमने पत्ती टाइप बनाना है, पत्ती की तरह उसको फोल्डिंग करके। वो भी मैं आपको एंड में दिखाऊंगी किस तरीके से हमने बनाना है, पत्ती बनाना बताऊंगी। तो मैंने वो उस ट्रायंगल से फूल बनाया है, इतना खूबसूरत सा देखिएगा आप एंड में जी। इसको अब हमने कट कर लेना है, बिल्कुल साथ साथ कट करते हुए जाएँ। दरमियान से भी बड़ी ही एहतियात से हमने कट करना है कि हमारी सिलाई ना कटे, ऐसे कट करते हुए जाना है हमने। और एक इस साइड हल्का सा कट लगाएंगे, एक उस साइड हल्का सा कट लगाएंगे, ताकि हमारी पट्टी जो फोल्डिंग वाली हो वो नीट फोल्ड हो जी। इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया। अब हमने ऊपर से टॉप स्टिच लगाते हुए जाना है, और ऊपर से हमें पाइपिंग नहीं चाहिए, मगर यहाँ से दरमियान से हमें इस तरीके की बारीक बारीक पाइपिंग चाहिए। तो हम इसको कपड़े को जब फोल्ड करेंगे, टॉप स्टिच लगाएंगे, तो इसमें पाइपिंग निकालते हुए जाएंगे इस तरीके से ना, स्टिच करते हुए जाएंगे और इसमें पाइपिंग निकालते हुए जाएंगे। ये देखें, टॉप स्टिच लगा के बड़े प्यार से खूबसूरती से आपने टॉप स्टिच लगाना है इसके ऊपर इस तरीके से। फिर आपने हल्की हल्की साइड पे, पाइपिंग के ऊपर हमारी स्टिच नहीं आना चाहिए, पाइपिंग की साइड साइड पे हमारा स्टिच आना चाहिए। मशीन के एहतियात से, मशीन से स्टिच करते हुए हमें साइड साइड पे आना है इस तरीके से। फिर हमें बैक हो जाना है, फिर हमें वापसी पे दोबारा से स्टिच करते हुए जाना है। और याद रहे, पाइपिंग को बड़े ही एहतियात से एक ही साइज़ में निकालना है, पाइपिंग को कहीं से ज़्यादा, कहीं से मोटी, कहीं से पतली नहीं निकालनी पाइपिंग हमें। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में जी। बैक साइड पे हम तुरपाई करेंगे, वो हम बाद में करेंगे। पहले हमें ये एक पट्टी ली है इसको दरमियान से ज्वाइंट करने के लिए। अगर आप चाहें ऊपर कट रखना भी चाहें तो आप यहाँ स्टिच बटन लगा सकते हैं और कट भी हल्का सा रख सकते हैं, लेकिन मैं फुल स्टिच करूँगी क्योंकि मैंने ऊपर 6 इंच का गला पहले से ही रेडी किया है। अगर आपका गला छोटा लगे आपको तो आप इसमें कट हल्का सा रख सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत भी नहीं है इसमें कट रखने की। तो मैंने ये फुल स्टिच कर लिया ऊपर तक, स्टिच हो गया हमारा ये। ये देखिए, हमारा गला रेडी हो गया है। और अब हमने इसके ऊपर जो फूल की पत्तियां बनानी हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से आपने हल्का सा उंगली को पानी से गीला कर लेना है, फिर जल्दी से फोल्ड हो जाएगा। और अगर आप रेशमी कपड़े की बनाएं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मैंने यहाँ पे कॉटन ली है तो वो भी ठीक है, मतलब आप अगर आपके पास रेशमी फैब्रिक हो तो आप उससे भी स्टिच कर सकते हैं, उससे भी बना सकते हैं ये पत्तियाँ, बहुत ही नीट और ख़ूबसूरत लगेंगी। और अगर चाहें तो आप मशीन से ये स्टिच कर लें पत्ती को, चाहें तो आप सुई से कर लें। मैंने ये आपको मशीन से करके दिखाई है, बाकी मैंने खुद से स्टिच ये सुई से की हैं, सुई से ज़्यादा बेस्ट लगी मुझे तो मैंने सुई से स्टिच कर ली जी। इस तरीके से मैंने सारी पट्टियों को कट करना है। कट करने के बाद आप चाहें तो इस तरीके से इन पत्तियों को सब मैंने कट कर ली हैं, इन पत्तियों को जोड़कर 5 पत्तियों का फूल भी बना सकते हैं, 5 लीव्स का फूल इस तरीके से आप बना सकते हैं। मगर मैं यहाँ पे 3 पत्तियों को ज्वाइन करूँगी, और आपने ये सुई से ही ज्वाइन करनी है, अपने हिसाब से इसको अच्छे से एडजस्ट कर देना है 3 पत्तियों को। दरमियान में आप चाहें तो बटन अटैच कर लें,
मैं यहाँ पे मोती ही अटैच करूँगी। मेरे पास मोती साइज़ में थोड़ा छोटा है, आप अगर चाहें तो बड़े साइज़ में भी मोती ले सकती हैं। बटन से और भी खूबसूरती आएगी इसके अंदर। बटन से आप अगर बटन अटैच कर लें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, या फिर बड़े साइज़ का मोती ले लीजिए, वो अटैच कर लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिए। लाइक तो एक बनता है, लाइक कर दीजिए। ये हमारा फूल रेडी हो गया है। अब हमने तीन फूल लगाने हैं। इसी तरीके से हमने तीन फ्लावर तैयार कर लेने हैं जी। ये तीन फूल हमारे, तीन पत्तियों वाला एक फूल रेडी हो गया है। अभी हम इसमें मोती अटैच करेंगे। आप चाहें तो बटन भी लगा लें, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, पर मेरे पास इस टाइम बटन नहीं थे अवेलेबल, तो मैंने ये मोती ही अटैच कर दिया। या फिर मोती बड़े साइज़ में ले लें आप। ये देखें कितना खूबसूरत बन गया है। अगर आप रेशमी फैब्रिक पे बनाएंगे जी, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है मोती लगकर। बस अब हमने, मैंने बाकी के भी तीन रेडी कर लेने हैं, दो सॉरी टोटल हमारे तीन लगेंगे। और मैंने ये जो गले में कट लगाए हैं, ऊपर कट की तरह बनाया है डिज़ाइन, इसमें मैंने डबल ट्रायंगल्स लगाने हैं, वो भी मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ। ये मैंने हाफ़ निशान इसलिए लगाए हैं कि मुझे सेकंड फूल लगाने में कोई मसला ना हो, इसलिए मैंने इनको मार्क कर लिया है। ये देखिए हमारे फूल रेडी हो गए। ये हमने डबल ट्रायंगल्स लगाए हैं, आप भी इसी तरीके से लगा सकते हैं। कैसा लगा आपको मेरा डिज़ाइन,